क्या आपकी कंसाइनमेंट LCL है या FCL? FCL में भी 20 फिट कंटेनर, 40 फिट या 40 फिट हाई क्यूब। कैसे पता चलेगा कि आपकी कंसाइनमेंट LCL है या FCL? ये जानने के लिए आपको जो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आपकी कंसाइनमेंट का वेट और वॉल्यूम कितना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि CBM कैसे निकालते हैं और वेट बाई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इसको वॉल्यूमेट्रिक वेट भी बोलते हैं। CBM निकालने का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू विर्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 10 लाख। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी एक बॉक्स का, एक कार्टन का CBM निकल जाएगा। अब जितने भी आपके उसी कंसाइनमेंट में नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं सेम साइज़ के, वहाँ आप अपने आइटम का टोटल CBM निकाल सकते हो। सपोज़ आपकी कंसाइनमेंट का साइज़, जो आपका जो बॉक्स है उसका साइज है 48 सेंटीमीटर, लेंथ है विर्थ 24 सेंटीमीटर, हाइट 37 सेंटीमीटर। अब CBM के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ इंटू विर्थ इंटू हाइट 48 सेंटीमीटर इंटू 24 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 10 लाख। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो एक बॉक्स का CBM आएगा वो आएगा 0.043। अब आपको देखना है कि इस साइज़ के, इस आइटम के आपके कितने नंबर ऑफ कार्टन हैं। तो इस फॉर एग्जांपल इसमें हमारे जो कार्टन है वो 125 हैं। अब जो आपका एक कार्टन का CBM आया है 0.043 इंटू 125, अगर आप ये करते हो तो आपका टोटल CBM आएगा 5.328। ऐसे ही आपने पूरी कंसाइनमेंट का CBM निकाल लेना है। हमारे यहाँ पे 3 आइटम हैं। जो मेरी सेकंड आइटम है उसके कार्टन है 275 और साइज है लेंथ 27, विर्थ 27, हाइट 20। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। इस आइटम का मेरा CBM हुआ 4.010। थर्ड आइटम 916 कार्टन, 43 सेंटीमीटर, 23 एंड 19.5। इसका जो CBM हमारा आया वो आया 17.666। अब जो मेरी पूरी कंसाइनमेंट है, मेरी पूरी कंसाइनमेंट का CBM हुआ 27.003। अगर मैं CBM वाइज देखता हूँ तो मेरी ये कंसाइनमेंट 20 फिट कंटेनर है। हम लोग 28 CBM 20 फिट कंटेनर में भरते हैं। वेट हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 26 टन। तो मेरी कंसाइनमेंट का वेट तो बहुत कम है। इसमें हमारा कंसाइनमेंट का वेट जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 4 टन आ रहा है, 3938.918 ये ग्रोस वेट है। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक देखूँ, अगर मेरा CBM जो मेरी कंसाइनमेंट का है वो 27 CBM है, इसके अकॉर्डिंग मुझे एक 20 फिट कंटेनर बुक करने की ज़रूरत है। ये तो हुआ CBM। CBM के बाद जो सेकंड फॉर्मूला है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे निकालते हैं, ये इसको वेट बाई वॉल्यूम भी बोलते हैं। अगर आप बाई एयर शिपमेंट करते हो तो आपके लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में एक्चुअल वेट ऑफ कार्गो, जो आपकी कंसाइनमेंट का एक्चुअल वेट है, वॉल्यूमेट्रिक वेट उससे ज़्यादा निकलता है। तो जब आपको बिलिंग आएगी, जो एयरलाइन आपको चार्ज करेगी वो वॉल्यूमेट्रिक वेट पे करेगी, तब आपको लगेगा कि जितना आपका कंसाइनमेंट का वेट था एयरलाइंस ने आपको ज़्यादा चार्ज किया है। बट वो चार्ज किस पे करते हैं, वो लोग वॉल्यूमेट्रिक वेट पर चार्ज करते हैं। तो सेम एग्जांपल जो मैंने अभी CBM के लिए लिया वही हम वॉल्यूमेट्रिक वेट के लिए भी लेते हैं। हमारे जो कार्टन है उसका लेंथ विर्थ और हाइट मैंने आपको बताया 48, 24 एंड 37। अगर मैं इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालता हूँ तो वॉल्यूमेट्रिक वेट का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विर्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 5000। इसमें आप कहीं देखोगे तो इसमें ज़्यादातर लोग कुछ 6000 भी करते हैं डिवाइडेड बाई 6000, कुछ लोग डिवाइडेड बाई 4000 भी करते हैं। बट ज़्यादातर एयरलाइंस जो प्रैक्टिस करती हैं वो इसी फॉर्मूला पे करती हैं, लेंथ इंटू विर्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 5000। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कंसाइनमेंट का वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालेंगे। मैं फर्स्ट आइटम का निकालता हूँ,
48 × 27 × 37 डिवाइडेड बाई 5000। तो मेरा जो एक कार्टन का वॉल्यूमेट्रिक वेट आया वो आया 8.525 इंटू नंबर ऑफ टोटल कार्टन इंटू नंबर ऑफ टोटल कार्टन 125। तो मेरा जो फर्स्ट आइटम का वॉल्यूमेट्रिक वेट आया टोटल वो आया 1065.60। ऐसे ही मैं अपनी बाकी आइटम का भी निकालता हूँ। सेकंड आइटम 275 कार्टन, लेंथ विर्थ हाइट 27 × 27 × 20 डिवाइडेड बाई 5000। एक कार्टन का जो वॉल्यूमेट्रिक वेट आया वो आया 2.916 एंड टोटल वॉल्यूमेट्रिक वेट इस आइटम का है 801.900। थर्ड आइटम का जो वो वेट है वो भी है 3533104। तो यहाँ पे मेरी कंसाइनमेंट का जो टोटल वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो है 5400.604। अगर मैं इसके नेट वेट और ग्रोस वेट देखता हूँ, जो एक्चुअल नेट वेट है वो एक कार्टन का है 4.368, इसी आइटम का ग्रोस वेट है 5.065। अब इसका मैं टोटल कंसाइनमेंट का निकालता हूँ तो नेट वेट इनटू नंबर ऑफ कार्टन 125, तो नेट वेट हुआ 546, ग्रोस वेट हुआ 633.125। ऐसे ही मैंने पूरी कंसाइनमेंट का निकालता हूँ तो मेरी पूरी कंसाइनमेंट का जो ग्रोस वेट आ रहा है वो आ रहा है 3938.918। अब अगर इस कंसाइनमेंट को मैं बाई सी भेजता हूँ तो मुझे एक 20 फिट कंटेनर बुक करने की ज़रूरत है। वेट मेरी कंसाइनमेंट का बहुत ज़्यादा नहीं है तो इतना हम आराम से भर सकते हैं कंटेनर में। कंटेनर में हम नॉर्मली 25 से 26 टन वेट भर सकते हैं 20 फिट कंटेनर में, और CBM हम भरते हैं 28 CBM। तो मेरा CBM 27 है तो हम 20 फिट कंटेनर इसमें भर सकते हैं। बट अगर इसी कंसाइनमेंट को मैं बाई एयर भेजता हूँ तो बाई एयर जो इसका चार्ज मुझे लगेगा वो लगेगा वॉल्यूमेट्रिक वेट पर, और इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट है 5400.604 इंटू जो भी रेट एयरलाइंस हमें लगाएगी उस पर वो हमें चार्ज करेगी। तो हमें वॉल्यूमेट्रिक वेट इसलिए सीखना ज़रूरी है कि हम वॉल्यूमेट्रिक वेट पहले से कैलकुलेट कर लें और अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लें कि हमारी कंसाइनमेंट पे कितना एक्सपेंसेस होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हमने CBM और वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे निकालते हैं ये सीखा। अगर आप ऐसे ही कोई और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीखने के लिए, शेयर कर दूसरों को सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।